Let's start with the 12th one. Here it says complete the missing component variables as x and y and the following reaction. तो यहाँ पे हमें क्या स्टेट्स मिसिंग दी हुई हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है. व्हाट इज गिवन हेयर इज कि हमारी स्टेट्स मिसिंग है. जैसे कि हमें दिया हुआ है PbNO32 एंड Ki के बीच, बाद में क्या बनेगा, PbI2 बनेगा. PbI2 इज नथिंग बट लेड आयोडाइड. तो लेड आयोडाइड हमारी कौन सी स्टेट में होगा, इस कंडीशन में इट वुड बी इन सॉलिड स्टेट. और अगर हम बात करें वाई की, तो जो वाई है हमारा वो क्या बना है, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट विच इज इन एक्वस स्टेट. ठीक है, सेकेंड पार्ट में आप देखो, हेयर इन द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉलिड है वो हमारा, और यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस कर लिया. तो हमारे पास क्या मिलेगा, एट एक्स इट वुड बी ट्वाइस ऑफ Ag. ठीक है, थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में हमें ये बताना है कि जिंक सल्फेट कैसा होता है, कौन सी स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा. हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा गैसियस स्टेट में होगी, और हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होगी, इट वुड बी इन एक्वस स्टेट. डी पार्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट वुड गेट हीटेड एंड वुड गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक्स यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हीट का सिंबल होना चाहिए, या आप हीट भी मेंशन कर सकते हो. सो दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस.